नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब को, कुछ हेल्पिंग वर्ब को कवर करेंगे, जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं। देखिए, वैसे तो आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इनका एडवांस्ड यूज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा वर्ड है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है कि कोई काम हमें करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए। कई बार आप बोलते हैं ना, भाई तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, मतलब आप किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें उस काम को पक्का यानी कि 100% उस काम को आपको करना चाहिए। जब आप किसी को ऐसी सलाह देते हैं तो वहां पर हमें यूज करना पड़ता है शुड हैव टू। लेकिन अगर आप शुड हैव टू यूज करना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि शुड हैव टू थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं मस्ट का। तो चलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपको लिखना है शुड हैव टू। अब उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए, उसे जाना ही चाहिए, यानी कि उसे जाना ही चाहिए, कहीं पर उसे जाना ही चाहिए। कई बार बोलते हैं ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उसे तो जाना ही चाहिए। तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो, यानी कि उसे जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तुम्हें खेलना ही चाहिए। तो बोलोगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें उन्हें देखना ही चाहिए, उन्हें देखना ही चाहिए। तो बोलोगे दिस शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर आपको यूज करना है शुड हैव टू का। अब देखिए, इन सेंटेंसेस में जो ही है, यू है और दे है, ये हैं आपके सब्जेक्ट। उसके अलावा जो शुड हैव टू है वो आपका स्ट्रक्चर से आया है। और सबसे लास्ट में गो, प्ले और वॉच, ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको समझ में आया शुड हैव टू। तो नेक्स्ट देखते हैं विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, कोई काम किसी को करना पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए, विल का मतलब आप बताइए क्या होता है। विल का मतलब होता है कि विल को हम फ्यूचर में पढ़ते हैं, तो मतलब जहां पर भी विल मिलेगा हमें फ्यूचर का सेंस निकालना है। अब विल हैव टू का मतलब है कि कोई काम हमें आने वाले समय में फ्यूचर में करना पड़ेगा। देखिए, इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। तो बोलोगे ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है, विल हैव टू आपके स्ट्रक्चर से आया है, और गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, आने वाले समय में आपको खेलना पड़ेगा। तो बोलोगे यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले, तुमको या फिर आपको खेलना पड़ेगा इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ेगा, यानी कि कोई चीज उन्हें देखनी पड़ेगी। तो बोलोगे दे विल हैव टू वॉच, दे विल हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप अपनी वर्ब को चेंज करके अपने अलग अलग कामों को बता सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट को चेंज करके जिसके बारे में मैं आपको बोलना है उसको बता सकते हैं। तो विल हैव टू आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। अब बोलते ना भाई, उसे जाना पड़ता होगा, उसे खेलना पड़ता होगा, तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा। तो यहां पर हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव टू आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस के, इनमें सब चीज एक जैसी रहेगी, सिर्फ आपका जो ये मॉडल है, जैसे कि वुड है, शुड है, कुड है, ये सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं, उसे जाना पड़ता होगा, उसे जाना पड़ता होगा। तो इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू गो, ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तुम्हें खेलना पड़ता होगा। तो इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव टू प्ले, यू वुड हैव टू प्ले, तुमको या फिर आपको खेलना पड़ता होगा। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ता होगा, उन्हें देखना पड़ता होगा। तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव टू वॉच। अब देखिए, यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स को
बिल्कुल मिलते जुलते लिया है, जिससे कि आपको इनमें अंतर समझ में आ सके कि वुड हैव टू का मतलब क्या है, शुड हैव टू का मतलब क्या है, और जो भी हम पढ़ेंगे उनमें भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक ही सेंटेंस को जिस तरह से हम हिंदी में कई तरह से बोल देते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी कई तरह से बोला जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और देखिए, बुक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ऐप है वो बिल्कुल फ्री है और इसमें सब कुछ कवर है, पूरी इंग्लिश ग्रामर, जो भी आपकी स्पोकन इंग्लिश ग्रामर होती है सब कुछ कवर है। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, जरूरी, कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, उसे जाना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलोगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो इंग्लिश बनेगी यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। नेक्स्ट है उन्हें सोचना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। तो इसी तरह से किसी को जब कोई काम करना पड़ सकता है, और ये वाला सेंटेंस आपको बनाना है, तो आपको आंख बंद करके कैन हैव टू का यूज कर देना है, और जो सामने वाला बंदा है यदि उसको इंग्लिश आती है तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है मे हैव टू, इसका मतलब है शायद पढ़ सकता है, शायद करना पड़ सकता है। इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो हाई नहीं होती है, मीडियम होती है बिल्कुल। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, शायद उसे जाना पड़ सकता है, एक होगा जाना पड़ सकता है, एक होगा शायद उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलोगे ही मे हैव टू गो, ही मे हैव टू गो, शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो बोलोगे यू मे हैव टू प्ले, यू मे हैव टू प्ले, शायद मुझे देखना पड़ सकता है, तो इंग्लिश बनेगी मुझे या फिर उसे, जो भी आपको बोलना है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शायद मुझे देखना पड़ सकता है, आई मे हैव टू वॉच, आई मे हैव टू वॉच, यानी कि या इसमें आप मे के स्थान पर माइट का यूज भी कर सकते हैं यदि आपको जरूरत पड़ती है तो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, कोई काम किसी व्यक्ति को करना पड़ रहा है। अब हो सकता है कि उसे वो मतलब बिना मन के करना पड़ रहा हो, कोई उसमें जानबूझकर या फिर कोई किसी कंपल्सन में मजबूरी में डालकर उससे वो काम करना करवा रहा हो, तो मतलब जो फीलिंग है वो यही है कि या तो जानबूझकर या फिर प्यार से, किसी के डराने धमकाने से किसी को कुछ करना पड़ रहा है। इसका स्ट्रक्चर है, देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका आएगा इज एम आर, उसके बाद वाज वर, यानी कि अगर प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना है तो इज एम आर आएगा, पास्ट का बनाना है तो वाज वर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये तो आप जानते होंगे कि वाज वर को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और इज एम आर को प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। फिर आपको लिखना है हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है, तो बोलोगे आई एम हैविंग टू वॉच, आई एम हैविंग टू वॉच। नेक्स्ट है उसे पढ़ना पड़ रहा था, देखिए पढ़ रहा था पास्ट में पहुंच गया, तो अब हमें वाज वर्ब लगाना है, तो कैसे बोलोगे ही वाज हैविंग टू स्टडी, ही वाज हैविंग टू स्टडी, उसे देखना पड़ रहा था, उन्हें खाना पड़ रहा है, उन्हें खाना पड़ रहा है, तो बोलोगे ही इज हैविंग टू ईट, ही इज हैविंग टू ईट। अब देखिए, यहां पर जो मैंने ही लिखा है किसी एक व्यक्ति के लिए है, यदि आपको एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए लिखना है तो आपको दे का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं, जब आप दे का यूज करेंगे तो आपका जो इज है ये चेंज हो जाएगा और यहां पर लग जाएगा आर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए दे आर हैविंग टू ईट, इस तरह से, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी, तो उन्हें खाना पड़ रहा है तो बोलोगे दे आर हैविंग टू ईट, इस तरह से। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है, कोई काम होने वाला है, ऐसा आप बताना चाहते हैं, जैसे कि वह आने वाला है, हम जाने वाले हैं, वो खाने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर हैविंग टू की तरह ही रहेगा,
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजम मार में से कोई एक, फिर वाजबर में यदि पास्ट का है तो वाजबर और प्रेजेंट का है तो इजम मार, फिर अबाउट टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए वह आने वाला है, वह आने वाला है तो बोलोगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे तो बोलोगे यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो इसी तरह से मतलब कोई कुछ करने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं अबाउट टू का। नेक्स्ट है माइट हैव टू, इसका मतलब है कि कोई काम शायद ही करना पड़ सकता है, उसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं बिल्कुल शायद से, यानी कि बिल्कुल 10-20% चांस है कि आपको वो करना पड़ जाए, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बोलते हैं ना आप इस तरह के, वैसे 10-20% चांस है कि आपको करना पड़ जाए वरना जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसे करो, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए शायद ही उसे जाना पड़ सकता है, शायद ही उसे जाना पड़ सकता है तो बोलोगे ही माइट हैव टू गो, ही माइट हैव टू गो। शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो बोलोगे यू माइट हैव टू प्ले, यू माइट हैव टू प्ले। शायद ही मुझे देखना पड़ सकता है तो बोलोगे मुझे या फिर तुम्हें, जो भी आपको बोलना है, आई माइट हैव टू वॉच, आई माइट हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप माइट हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबल टू, एबल टू का मतलब होता है लायक है, योग्य है, मतलब कोई किसी काम को करने के लायक है या फिर कोई किसी काम को करने के योग्य है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर एबल टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए वह यह करने के लायक था, यानी कि वह इस काम को करने के लायक था तो बोलोगे ही वॉज एबल टू डू दिस, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकते या फिर तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। अब यहां पर देखिए ये सेंस तो आपको कैन वाला लग रहा होगा, लेकिन यहां पर हम उसकी एबिलिटी को दिखा रहे हैं कि भाई तुम वहां नहीं जा सकते, मतलब तुम वहां जाने के मतलब लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो, इस तरह से। नेक्स्ट है आप वह नहीं कर पाओगे, यानी कि हम उसकी उसको बता रहे हैं कि तुम उस काम को करने के योग्य नहीं हो, आप वह नहीं कर पाओगे तो बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इस तरह से आप एबल टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, कोई काम पास्ट में किया करता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए हम स्कूल जाया करते थे, हम स्कूल जाया करते थे तो बोलोगे वी यूज टू गो टू स्कूल, वी यूज टू गो टू स्कूल, यानी कि हम वहां जाया करते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम इंग्लिश पढ़ा करते थे तो बोलोगे वी यूज टू स्टडी इंग्लिश, वी यूज टू स्टडी इंग्लिश। वो वहां खेला करते थे तो आप बोलोगे दे यूज टू प्ले देयर, दे यूज टू प्ले देयर। तो जहां पर भी अब आपको यूज टू मिले तो समझ लेना कि हम किसी पास्ट के ऐसे कार्य के बारे में बात कर रहे हैं जो हम पास्ट में किया करते थे। इस तरह से आपको यूज टू को समझना है। नेक्स्ट है सपोज्ड टू, सपोज्ड टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है, वहां पर आप सपोज्ड टू का यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सपोज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, यानी कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें सपोज्ड टू का यूज किया, वरना इसको हम शुड से भी बना सकते हैं। तो बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम वहां जाओ, तो इंग्लिश बनेगी यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए तो बोलोगे वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से आप सपोज्ड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट हैव टू, इसका मतलब है अवश्य काम करना है, मतलब किसी को कोई काम अवश्य करना है, जरूरी करना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसे अवश्य जाना है तो बोलोगे ही मस्ट हैव टू गो, ही मस्ट हैव टू गो। तुम्हें अवश्य खेलना है तो बोलोगे यू मस्ट हैव टू प्ले,
वैसे यदि आप इसमें हैव टू को ना लगाओगे तो भी ये अच्छा रहेगा और इसको आप आसानी से बना सकते हो और सेंस भी आपका यही लिख लेगा, ही मस्ट गो, ही मस्ट प्ले, मतलब उसे जरूर खेलना चाहिए, उसे जरूर पढ़ना चाहिए, इस तरह का सेंस ही निकलेगा। तो आप हैव टू को ना लगाओगे तब भी वही सेंस निकलेगा, तो यदि आप भूल जाते हैं तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूर देखना है, तो बोलोगे दे मस्ट हैव टू वॉच, दे मस्ट हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप मस्ट हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बुक्स हैं और जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।